इस तरीके का योजना है सर। किसी भी क्षेत्र की प्लानिंग में महायोजना का बहुत अहम रोल होता है। उस क्षेत्र के अगले कुछ वर्षों में किस तरह से विकास होना है, सुनियोजित तरीके से विकास हो जिसमें सभी लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं मिल सके, ये ध्यान में रखते हुए किसी भी क्षेत्र की महायोजना बनाई जाती है। पिछले कुछ महीनों से इसके ऊपर लगातार काम चल रहा था। इस समय क्या लैंड यूज़ है और आगे एक बैलेंस्ड विकास उस क्षेत्र का हो सके उसके लिए क्या लैंड यूज़ रहना चाहिए, इसको देखते हुए एक्सपर्ट्स की मदद से है, प्लानिंग डिपार्टमेंट की मदद से, सभी विभागों से फीडबैक लेके महायोजना बनाई गई है। आज इसको सभी नगरवासियों के, शहरवासियों के, जनपदवासियों के सम्मुख रखा जा रहा है। अगले एक माह तक किसी भी नागरिक के कोई सुझाव हो, कोई भी आपत्तियाँ हो, तो वो यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में आके इसका प्रदर्शन यहाँ पे लगातार एक महीने तक रहेगा। सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से भी इसमें सुझाव पहले भी मांगे गए हैं, अभी भी मांगे जा रहे हैं। सभी नागरिकों से भी यही अपील रहेगी कि वो इसको देखें, इसको समझें। जनपद की वेबसाइट पे भी इसको अपलोड करा जा रहा है जिससे लोग इसको देख सकते हैं। इससे पहले कि हम इसको फाइनल करें, इसका पूर्ण रूप से निर्धारित करें, ये ज़रूरी है कि सभी जनपदवासी इसके बारे में जानें, क्योंकि ये अपना शहर, अपना जनपद है जिसके विकास में सभी की भागीदारी होती है। तो इसको यहाँ से लोग प्राप्त कर सकते हैं और इसके बारे में कोई भी सुझाव मीडियाकर्मियों के माध्यम से भी स्वयं आके भी हर प्रकार से आमंत्रित करे जा रहे हैं।